हेलो गाइज, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं की क्रॉप को ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन द्वारा कैसे गाया जाता है। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइज, ये है मेरा खेत और मेरे पूरे खेत की गेहूं की फसल की कटाई होकर लाख इकट्ठी हो गई है। ये देख सकते हैं आप, गेहूं की लाख की ढेरी लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप पूरे खेत की गेहूं की फसल की लाख इकट्ठी होकर अब ट्रैक्टर मशीन द्वारा इसको गाया जाएगा, जिससे गेहूं अलग निकलेगा, भूसा अलग निकलेगा। सो गाइस, ये गेहूं की लाख खांदने के लिए ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन आ गया है। अब ये लाख गेहूं की लाख की खंदाई करेगा। तो गाइस, ये देखिए गेहूं की खंदाई हो रही है। ये देखिए मशीन भूसा अलग निकाल रही है और गेहूं देखिए, ये गेहूं मशीन अलग निकाल रही है। मशीन में मोक लगाई जा रही है गेहूं की, इस तरह से गेहूं की खदाई हो रही है। और ये देख सकते हैं, ये मशीन इधर भूसा दे रही है, इधर ये इधर भूसा निकाल रही है, अलग भूसा निकाल रही है मशीन। तो गाइज, फाइनली देखिए मेरे गेहूं की पूरी खंदाई हो चुकी है। मशीन ने देखिए गेहूं अलग निकाल दिया है, गेहूं की ढेरी ये लगी हुई है और उस साइड में देखिए ये अलग भूसा निकाला हुआ है। ये इधर देखिए, ये इधर मशीन ने भूसा निकाला है। ये उसी गेहूं की क्रॉप से दो चीज़ें निकली हैं। एक तो ये गेहूँ, ये आप देख सकते हैं ये गेहूँ, और दूसरा ये भूसा। भूसा ये चारे, पशुओं के चारे के लिए उपयोग किया जाता है। इसे पशु खाते हैं, बफेलो भैंस इसको खाने से अच्छा दूध देती हैं। और ये गेहूं है, इसी से जो ताज़ी गर्मा गर्म रोटियां हम लोग खाते हैं वो इसी गेहूं से ही बनती हैं। सो गाइस, इस तरह से गेहूं की क्रॉप को ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन द्वारा गाया जाता है। मैं आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मन में कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नॉलेजबल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।